ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव ने रच दिया इतिहास, तोड़ दिया बरसों साल पुराना रिकॉर्ड। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। रोहित शर्मा की आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कैर बरसा दिया और आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को सलाम ठोका। रोहित शर्मा तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को इसका दर्द होया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का काफी आक्रामक विस्फोटक तरीके से बल्ला चला, जिसको देखकर शायद आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं और आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका के पहले खिलाड़ी तो परेशान थे ही, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के तूफानी से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला आक्रामक और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला आक्रामक और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके फिर गगनचुंबी ठोक दिए तो वहीं तीसरे ओवर में लगातार 1 चौका और 1 छक्का जो है विराट कोहली ने भी ठोक दिया। हालांकि विराट कोहली उतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला, जहां पर 5वें ओवर की 4वीं बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने मैदान पर 1 रन से शुरुआत की, फिर वहां पर जो है 6वें ओवर की 4वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और काफी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और रोहित शर्मा काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें कि ऋषभ पंत 14 गेंदें खेलकर 12 रन बनाकर के आउट हो गए। 14 गेंदों में 12 रन ठोक करके जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जिसने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट करके बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी बखूबी रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, लेकिन फिर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब यहां पर 11वें ओवर की 4वीं बॉल पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 94 रन ठोक करके आउट हुए। हिटमैन रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अपने शत की पारी से चूक गए और 94 रन ठोकर के आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। शिवम दुबे काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे को आखिरकार दूसरा महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है क्योंकि शिवम दुबे ने ICC T20 वर्ल्ड कप में जो है काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, लेकिन उससे पहले IPL में काफी बेहतरीन तरीके से कदम मचाया। लेकिन शिवम दुबे ने यहाँ पर 12वें
ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। मैथ्यू वेट, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड और तूफानी से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज फाफ डुप्लेसी जैसे ताबड़तोड़ गेंदबाज भारतीय टीम के शेयरों से काफी ज्यादा परेशान थे। भारतीय टीम का बल्ला इस कदर चल रहा था कि मानो 2023 की वर्ल्ड कप की हार का बदला ले रहे हो। काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर यह डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। आप सभी को बता दें कि जैसे ही घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की शान शिवम दुबे 34 रन ठोककर के आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर एक ऐसा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज उठा, जहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 3 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों को आउट करने के लिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। इनकी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और ये ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर जम करके बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऐसे गेंदबाज थे जो बार बार सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। इनकी आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जो है 71 रन ठोक दिए, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 55 रन ठोक दिए महज 25 गेंदों के भीतर और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 20 ओवरों के भीतर भारतीय टीम ने अपना स्कोर वो यहां पर 277 बना दिया। जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने पहले एक ओवर में 4 रन दिए, हर्षदीप सिंह ने पहले दूसरे ओवर में 6 रन दिए, मोहम्मद सिराज ने 14 रन दिए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने यहां पर 6वें ओवर में फाफ डुप्लेसी को चलता बना दिया और काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी मैदान पर डट कर की। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह यहां पर 8वां ओवर लेकर के आए, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 8वें ओवर में मैथ्यू वेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन फिर दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर काफी आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका नाम था ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज, आप सभी को बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 15वें ओवर तक जाते जाते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट लिया और भारतीय टीम ने 2023 की वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया और भारतीय टीम ने जीत हासिल की। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सर अभी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।